हमेशा आदम, सलीका और दिल जीत लेने वाली खिदमत देखने वाली ताज की दीवारें आज अपनी बेबसी पर आहें भरती हैं। ताज को अपने जिस्म पर दहशत के दाग की चिंता नहीं है, ये दाग तो मिटाए जा सकते हैं, लेकिन ताज अपनी बेबसी कैसे भूल पाएगा? कैसे नहीं याद आएंगे वो मेहमान जो शान से आए थे और पलक झपकते ही उन्हें मौत की आगोश में समा गए। देखा आपने, मेरी शाम ऐसे ही हुआ करती थी, रंगीन बेफिक्र, सब कुछ वैसा ही चल रहा था जिसका मैं आदी था। तभी न जाने किसकी नजर लगी कि 26 नवंबर यानी बुधवार अचानक आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर घुस आए। मेरी दरों दीवारों ने दहशत का एक एक पल देखा, देखा कि कैसे आतंकवादियों ने अपनी राइफलों से गोलियां बरसानी शुरू की। और खुशियों से चहक रहे मेहमान बदहवास होकर चिल्लाने लगे, हर तरफ चीख पुकार मची। इन हालात में भी एक ट्रेनी शेफ ने मेरी लाज रखी और अपनी जान देकर कई मेहमानों की जान बचाई, लेकिन जो अंदर फंसे रहे उनका क्या? मैं तड़प के रह गया। जो मेहमान कभी मेरी लॉबी में बैठकर ही खुद पर गर्व करते थे, वो मेहमान जो कभी मेरे कमरों में ठहरने पर रस्त करते थे, वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। ये उनकी ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी इतिहास की सबसे मजबूत खड़ी थी। चंद आतंकवादियों ने मेरी रसूख, मेरी शान और मेरे वजूद को दहशत के पंजों से मसल कर रख दिया। तमाम मेहमानों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया था, वो डर रहे थे और मैं उनकी सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन वक्त बुरा था ना, इसलिए दुआ भी ठीक से कबूल नहीं हुई और आतंकवादियों ने मेरी आंखों के सामने 32 लोगों को बेरहमी से मार डाला। मेरे जो मेहमान बच गए थे उन्हें बंधक का नाम दे दिया गया था। जो लोग कभी मुझे करीब से देखने के लिए तरसते थे, वो अब मेरी और मेरे मेहमानों की हालत पर तरस खा रहे थे। नीचे के फ्लोर पर कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, ये देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन ज्यादा लोग तो ऊपरी मंजिलों पर थे। आतंकवादी थोड़ी देर बाद मेरी दीवारों पर ग्रेनेड से हमले कर रहे थे। यकीन जानिए, इन हमलों का दर्द मुझे मेहमानों के दर्द से कम लग रहा था। मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि आतंकी चाहे मुझे गिरा दे, मुझे नस्तनाबूद कर दे, लेकिन मेरे मेहमानों की जान बख्श। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और रहमत के फरिश्तों की तरह एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए। वो लगातार मुझे जला रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे और बम के धमाके कर रहे थे। मैं तो उस जाबाज कमांडो की शहादत का चश्मदीद भी हूं जिसने अपनी जान मुझ पर कुर्बान कर दी। 29 नवंबर को जब आखिरी आतंकवादी को मारकर एनएसजी ने सभी मेहमानों को रिहा कराया, तब मुझे चैन आया। मेरे सिर के ताज गुंबद को आतंकवादियों ने उड़ा दिया, लेकिन अफसोस नहीं, कत्र है तो बस इतनी कि क्या दोबारा मेरे गलियारे गुलजार होंगे, मेरे कमरों में खुशियां चहकेंगी, या फिर इस हमले का काला धब्बा लोगों को मुझसे दूर कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं बस एक इमारत बन के रह जाऊंगा, फिर कभी ताज नहीं कहलाऊंगा।